हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी की वर्तमान परिस्थिति से नाखुश हैं, दुखी हैं? क्या आप बहुत परेशान और चिंतित हैं? क्या आपके घर में कोई किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि नशा, डिप्रेशन, बेचैनी, या किसी गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित है, जैसे कि कैंसर, पैरालिसिस, डायबिटीज, हृदय का रोग, या नींद नहीं आना, या माइग्रेन, इस तरह के किसी परेशानी से कोई जूझ रहा है? या जिंदगी में कोई रिलेशनशिप या बिजनेस या फाइनेंस, रुपया पैसा, जमीन जायदाद आदि से रिलेटेड कोई परेशानी है? जो भी प्रॉब्लम है, आपने ऑलरेडी जो भी आपके पास आपकी जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, जो आपके बिलीव्स हैं, जो भी आप सोच सकते हो, इन सारी चीज़ों से आप अपने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व करने की कोशिश की होगी। लेकिन अभी भी यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो रियलिटी के बारे में जो समझ है, उसमें कुछ मिसिंग है। आपके जो विश्वास हैं जिंदगी के अलग अलग डायमेंशंस को लेकर के, या अलग अलग समस्याओं को लेकर के जो आपकी समझ है, उसमें कुछ कमी है। तो आखिर इन सारी समस्याओं से कैसे मुक्त हुआ जाए? तो इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी समझ, अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज, आपके जो बिलीफ सिस्टम हैं, इन सब में बदलाव लाना होगा, ताकि आप जिंदगी की जो एग्जैक्ट रियलिटी है, वो जैसे है उसको एग्जैक्टली आप जान सकें, और इन सारी समस्याओं से, जो कि आपकी जिंदगी की सारी खुशियों को बर्बाद कर रही है, जो आपके बिजनेस, रिलेशनशिप, करियर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को जो डिस्ट्रॉय कर रही है, जो बर्बाद कर रही है, इन सारी प्रॉब्लम्स से, इन सारी समस्याओं से आप मुक्त हो सकें। कुछ लोग हैं जो बहुत सारी समस्याएं, ये सारी समस्याएं झेलते रहते हैं, लेकिन इससे दूर होने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए वो कोई कदम नहीं उठाते। इन सारी समस्याओं से मुक्त होने के लिए वो कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहते, ना ही वो अपने बिलीफ सिस्टम, जो भी उनकी विश्वास हैं, जो भी उनके पास नॉलेज है, इसमें बदलाव लाने के लिए वो कोई कोशिश नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? इस सब का मतलब ये है कि वो आदमी जो अपनी परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहता, जिस परिस्थितियों के कारण उनके जिंदगी में ये सारी समस्याएं हैं, इन परिस्थितियों को यदि वो बदलना नहीं चाहता, अपनी विश्वास, अपनी नॉलेज में कोई बदलाव नहीं लाना चाहता, इसका मतलब यह है कि वो इन परिस्थितियों को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, इसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में इनफैक्ट कोई बदलाव लाना ही नहीं चाहता। एक बात याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ वही सच्चाई होती है, वही सिचुएशन होती है जिसका हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, चाहे ये कॉन्शसली करें या अनकॉन्शसली करें। जरा सोच कर देखें, यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो आपके सारे नॉलेज, आपके सारे विश्वास, आपके सारे रुपये, पैसे, धन, संपत्ति, पावर, रिश्ते, नाते, परिवार, सोसाइटी, इन सब का क्या मतलब रह जाता है? यदि आप जिंदगी के जो गहरे सत्य हैं, जिंदगी के जो ब्यूटीफुल पहलू हैं, जो सुंदर पहलू हैं, यदि आप उनको एक्सप्लोर करें, आप अपने नॉलेज, इंटेलिजेंस, पावर, कैपेबिलिटी, इन सब को बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, ज़िंदगी परम आनंद से भर सकती है। इसके लिए हमें अपने दायरे से बाहर, जिंदगी से रिलेटेड जो गहरे सत्य हैं,
उनको जानना होगा, उनको समझना होगा। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में चेतना आती जाएगी, हायर कॉन्शसनेस आप जैसे जैसे रियलाइज करते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ये प्रकृति का एक सबसे बढ़िया, सबसे मूल्यवान गिफ्ट है हमारे लिए। यदि आप जो भी समस्याएं आप अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, जो भी जिस भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, यदि आप इनसे बिल्कुल ही मुक्त होना चाहते हैं, और यदि आप नई सोच विकसित करने के लिए तैयार हैं, नए सत्य को एक्सप्लोर करना और रियलाइज करने के लिए तैयार हैं, तो आप मेरे पास आएं। मैं इन सारी समस्याओं से आपको मुक्त होने में आपकी सहायता कर सकता हूं। आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर 9811311102 या 9810969067 पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल नीचे दिया गया है। आप आएं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो इस भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप ना ही सिर्फ इस समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन में एक नया आनंद, एक नया विजन, एक नई रोशनी महसूस करेंगे, और जो जिंदगी की जो अल्टीमेट ब्लिस है, जो परम आनंद है, उसकी आप अनुभूति कर पाएंगे।